आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है हमारा, जैसे ट्रेन, बसेस, कार, साइकिल, बुलक कार्ट, शिप, बोट, ये सारे क्या आते हैं हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो देखते क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स। बहुत पहले जब ट्रांसपोर्ट का इतना इन्वेंशन नहीं हुआ था, ट्रांसपोर्ट नहीं था इतना, तो लोग क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाते थे, और या तो अपने कंधे पे बैग पे सामान उठाते थे या जानवरों के ऊपर लाद के सामान ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर नंबर 8 एंड 9। तो पानी में जब लोगों को पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो बहुत पहले से बोट्स यूज़ होती थी। लेकिन वो बोट्स क्या होती थी, वो एक लकड़ी के पीस, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े बड़े बड़े, जो कि अंदर से खाली होते थे ताकि वो पानी में डूबे ना। तो लोग उस पर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, उस पर सामान ले जाते थे। लेकिन वो उसमें क्या होता था, ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते थे, एक या दो मैक्सिमम। तो उसके बाद क्या किया लोगों ने, पहले के ज़माने में उन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ लाई, डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड, और उनको एक किश्ती, एक बोट की शेप दे दी। वो शेप कैसे दी उन्होंने, शेप उन्होंने दी समुद्री जो जानवर, जैसे मछली, वेल, ये सब, ये लोग, ये जानवर जो है, ये पानी में कैसे चलते हैं, इनकी एक बॉडी की एक शेप होती है, स्ट्रीम लाइन शेप जिसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स, परिंदे भी कैसे हवा में उड़ते हैं, एरोप्लेन है, इन सब की शेप जो होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, जो कि आगे से थोड़ी नुकीली जैसी होती है, ताकि वो हवा या पानी को चलने से रोके और ये अच्छे से चल सके। तो लोगों ने वो सोचा कि जैसे मछली पानी में चलती है, वैसे ही हम बोट को, किश्ती को, वैसे ही शेप देंगे लकड़ियों से। तो उन्होंने वैसे बोट बनाना शुरू की जिस पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे पानी से, और काफ़ी लोग भी उस पे आते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो व्हील है, जो टायर्स है, जैसे बैलगाड़ी में होते हैं व्हील, गाड़ियों में होते हैं, उसका इन्वेंशन हुआ। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। तो सबसे पहले क्या था, जब तक ये बसें, कारें, ये सब नहीं थी, तब जानवर जो है वो खींचते थे गाड़ियों को, जैसे लकड़ी की कोई गाड़ी बनाते थे, जैसे बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, उसके व्हील्स बनाना शुरू हुआ, उसके व्हील बनने शुरू हुए। वो व्हील्स क्या होते थे, लेकिन तब लकड़ियों के होते थे। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th century पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 19th century तक लोग जो है वो अपना सामान कैसे ले जाते थे, एनिमल पावर से, जानवरों की मदद से, जो कि किसी एक गाड़ी को खींचते थे और उस पे अपना सामान रख के लोग भी जाते थे और अपना सामान एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे। उसके बाद इन्वेंट हुआ स्टीम इंजन। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सोर्स ऑफ पावर। स्टीम इंजन जो है, जैसे जो पहली ट्रेन थी वो स्टीम के थ्रू चलती थी, स्टीम इंजन था उसमें,
railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. तो पहले पहले जब स्टीम इंजन बना तो उसके साथ एक बोगी, एक गाड़ी लगती थी, उसमें लोग बैठ के सामान ले जाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता दो गाड़ियाँ, तीन, चार, पाँच, ऐसे ये इन्वेंशन होता गया. लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. उसके बाद मोटराइज्ड बोट्स, बोट्स से, किश्ती से, उनको मोटर से चलाया गया पानी के ऊपर. द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the 20th century contribution. तो स्टीम इंजन बना, उसमें लोग एक दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, सामान लेके जाने लगे. बहुत लोग सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए. उसके बाद जब 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में एरोप्लेन बना, एरोप्लेन इस्तेमाल किया गया लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनी, स्पेस क्राफ्ट बने, ये सब क्या थी, 20वीं सदी की कंट्रीब्यूशन थी. 20वीं सदी में ये सब दुनिया में आया. तो जैसे जैसे लोगों ने ये इन्वेंशन किया, वैसे वैसे हमारी डेवलपमेंट होती गई ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के साइड पे. तो ये था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे शुरू हुआ हॉलो लॉग्स ऑफ वुड से, फिर व्हील्स बने, फिर स्टीम इंजन बने, एरोप्लेन बने. यह स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आज हम देखेंगे इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.